और पहले मुझे ये बताओ हो क्या रहा है, मेरी बेल का अरेंजमेंट अब तक हुआ क्यों नहीं? डोंट वरी दी, हम है ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे क्या सब कुछ हो जाएगा, क्या कर लोगे तुम लोग? तुम लोगों को पता भी है कि कुछ देर में कोर्ट्स बंद हो जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो रात भर मुझे यहाँ जेल में बितानी होगी। मॉम आप ही बताइए मैं क्या करूँ, दिवाली की वजह से एक भी लॉयर अवेलेबल नहीं है। मैं तो इसका ये मतलब हुआ कि अब जेल से निकलने का रास्ता मुझे ही ढूंढना होगा। क्या मॉम? तुम्हें भल्लास के वहां जाना होगा और बिल्कुल वैसे ही करना होगा जैसे मैं तुमसे कहती हूँ। अरे वाह, वाले दिस इज लुकिंग सो प्रिटी। है ना? यार मुझे एक फेवर चाहिए तुमसे, तुम सेम ऐसी रंगोली इधर भी बना दोगी? बाला मामा ये बोलने वाली बात है, मैं बनाने ही वाली थी इनफैक्ट इसके बाद। थैंक यू सो मच। अरे मीकू ध्यान से भाई। आई एम सो सॉरी, मैं ठीक कर देती हूँ। दिस इज सो प्रिटी आलिया, है ना, बहुत सुंदर है भाई। मुझे ऐसा लगता है, रमन आराम। सॉरी देखो यहाँ तो ये सब होता ही रहना है, मुझे लगता है तुम्हें ये दोबारा बनानी पड़ेगी। नेक्स्ट टाइम के लिए तुम्हें काम करना है, इसको फ्लोर पे बनाने के बजाय ना सीलिंग पे बनाना। मैं लाइट चेक करके आता हूँ। नहीं कुछ भी नहीं, जल्दी आ जाना पापा। वाह कितना प्यारा लग रहा ना। अरे ध्यान से, कैसी हो बेटा, क्या हम अंदर आ सकते हैं? हमें जरूरी बातें करनी। इतना सब कुछ होने के बाद भी आप लोगों को शर्म नहीं आती? जाइए यहाँ से। आलिया प्लीज एक बार हमारी बात सुन लो। शट अप, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, जस्ट गेट लॉस्ट। आलिया आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, जाइए यहाँ से। चल ना आलिया। एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए प्लीज। इशिता जी मैं जानती हूँ हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, स्पेशली मेरी सुधा दी से, पर मैं ये भी जानती हूँ कि आपका दिल बहुत बड़ा है। देखिए कुछ ही देर में कोर्ट बंद हो जाएगा और फिर हम अपनी दी को जेल से बाहर नहीं निकाल पाएंगे। प्लीज़ इट्स अ रिक्वेस्ट, प्लीज़ अपनी कंप्लेंट वापस ले लीजिए प्लीज़। हरगिज़ नहीं। प्लीज रमन जी, मेरा बस चले ना तो सुधा को तो मैं फांसी में चढ़वा दूं। लेकिन फिलहाल जेल उसके लिए सही जगह है, दफा हो जाइए आप लोग। प्लीज रमन जी, मेरी दी पूरी रात जेल में नहीं रह पाएंगी, प्लीज प्लीज। एक बात तुसी भी ना कमाल करते हो। मैंने कहा ना वो केस वापस नहीं लेंगे हम लोग, आउट। रमन ये लोग क्यों आए यहाँ? पापा भीख मांगने आए कि इनकी माँ को हम जेल से बाहर निकाल। I'm sorry, लेकिन हम केस वापस नहीं लेंगे। It's final. सुना आपने? Please, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, वापस ले लीजिए अपना केस। इनसे मुंह लगने का फायदा नहीं, चलो सब अंदर। हेलो हाँ श्वेता। सर बैंक से लोग आए हैं गवर्नमेंट नोटिस लेके और वो हमारे ऑफिस को सील करना चाहते हैं, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उनको कैसे रोकूं। वो कंपनी के ऑनर से अभी मिलना चाहते हैं क्योंकि लोन ऑफिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लिया गया था और ईएमआई ना भरने की वजह से वो आज हमारे ऑफिस को सील करना चाहते हैं। हाँ तो ठीक है मैं ऑफिस आ रहा हूँ। सर वो सुधा मैम जी से ही वो मिलना चाहते हैं क्योंकि वो हमारी कंपनी के 51% शेयर होल्डर हैं और वैसे भी वही हमारे कंपनी के सीईओ हैं, तो इसीलिए। और सर वो कह रहे थे कि कॉर्पोरेट लोन लेने की वजह से ही उन्हें ऑनर को अभी इसी वक्त मिलना है। उनसे कहो ओनर नहीं आ सकती, वो फिलहाल जेल यात्रा पे। वो डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ सुधा जी के ही सिग्नेचर्स चाहिए, तो उनको इस चीज के लिए ऑफिस आना ही पड़ेगा। ओके फाइन स्टॉप पैनिकिंग। क्या हो गया? क्या हुआ रमन जी, आपका चेहरे का रंग उड़ गया है, कुछ बात है क्या? बताइए ना। शायद मैं जानती हूँ क्या बात है। Thank you.
तुम्हें क्या लगा अपनी माँ की रिहाई की भीख मांगेंगे कि प्लीज अमन भल्ला प्लीज प्लीज हमारी माँ को जेल से बाहर निकाल। लूजर्स लूजर्स हो तुम सब। मेरी माँ ने ना तुम्हें हर तरफ से अपाहिज कर दिया। नाउ लेट मी सी व्हाट यू गाइस डू। अगर तुम्हें अपनी कंपनी बचानी है ना तो तुम्हें हमारे पैरों पे गिरना ही पड़ेगा। लेट मी एक्सप्लेन। बैंक वाले आपके ऑफिस पहुंच गए हैं और उन्हें कंपनी की ओनर यानी कि मेरी बहन सुधा दी से मिलना है, वो भी इसी वक्त। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी कंपनी को ताला लग जाएगा। ये क्या बोल रहे रमन, बात क्या है, क्या हुआ है? सो नाउ इट्स टोटली अपॉन यू रमन भल्ला। जल्द से जल्द मेरी दी को बाहर निकालो या फिर इस दिवाली पे तुम्हारा दिवाला हो जाएगा। Choice is yours. या तो आपके ऑफिस को बचा लो या फिर सब कुछ अपने हाथ से गवा दो। सही कहा आपने। बहुत दिनों से सब कुछ समेट के रखा था लेकिन अब सोचता हूँ हाथ खोल दें। तो हमने सब कुछ जाने दिया, आप भी खाली रखो। Shit. Is he okay? Mom. रमन कहाँ है? रमन वो नहीं आया। मॉम हमने उससे रेड की बात की लेकिन उसने हमारे साथ आने से इनकार कर दिया। What? तो तुम उसे कहते, इंसिस्ट करते, अरे कुछ तो करते। कितना बड़ा प्लान बनाया था मैंने, बैंक के साथ मेरी सेटिंग थी, इसे मेरे कहने पर वो ये ड्रामा करने के लिए तैयार हो गए थे और तुम दोनों वहां जाकर कुछ नहीं कर पाए। यूजलेस हो तुम दोनों, यूजलेस। कुछ ही देर में कोच बंद हो जाएंगे, उसके बाद क्या? इतनी बड़ी सेटिंग की थी मैंने, मुझे यही लगा था कि रमन अपनी कंप्लेंट वापस ले लेगा। इतना सा काम था, इतना सा, वो भी तुम दोनों नहीं कर पाए ना? मॉम हमने उससे इतना कहा, वो मानने को तैयार ही नहीं। मॉम करण बिल्कुल सही कह रहे, इतनी कोशिश करी बट ही वाज़। मैंने कहा चुप, बहुत बोल चुके तुम दोनों, अब चुप। अब मैं सोचूंगी मुझे क्या करना चाहिए। सुनिए आप लोगों का टाइम खत्म हुआ, अब आपको जाना होगा। देखिए हम लोग बहुत जरूरी बात कर रहे हैं, बस 5 मिनट और। जी नहीं, अब आपको परसों ही आना होगा क्योंकि कल दिवाली है, कोर्ट बंद रहेगा। अब आपकी माँ को 1-2 दिन यहीं रहना होगा। हाँ सेटल हो जाइए मैडम जी, आदत डाल लो। हवलदार लॉक खोलो। मैंने कंप्लेंट वापस ली है और ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है। जो किया है आपके लिए नहीं, हमारे एम्प्लॉयज के लिए किया है क्योंकि वो हमारे लिए हमारे परिवार से बढ़कर हैं और हम नहीं चाहते कि आप लोगों के कारण उनकी दिवाली खराब हो जाए। अच्छा लग रहा है ना, एक बार एहसान मान के उनका, उन सब एम्प्लॉयज को थैंक यू बोल देना जब उनसे मिलोगे। खैर आपको तो एक्चुअली उनके पांव पर गिर जाना चाहिए पर थैंक यू से काम चल जाएगा। ये इतना वक्त क्यों लग रहा है बैंक वालों के साथ? यू नो आई होप ये सुधा कोई गड़बड़ ना करते क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने वर्कर्स को सैलरी नहीं दे पाऊंगा, बोनस नहीं दे पाऊंगा। हाँ छोटी दिवाली, वो एक्सपेक्ट करते हैं हर साल की तरह कि उन्हें बोनस मिलेगा, पगार मिलेगी। रमन प्लीज आप काम में रहो, वो यही चाहती है कि हम कुछ रिएक्ट करें, हमें गुस्सा ही दिलाना चाहती है वो। हमें उसे ये दिखाना है कि उसके बिहेवियर का हम पर कोई असर नहीं हो रहा है। अरे वो जो चाहे दिलाए यार, गुस्सा दिलाए, रुलाए, जो करवाना है करवा ले, क्योंकि मेरे वर्करों की पगार न रोके। इस वक्त मेरे पर्सनल अकाउंट में भी इतने पैसे नहीं है कि मैंने बोनस दे पाऊँ। So if she messes up, सबकी दिवाली खराब हो जाएगी और मुझे इस पे भरोसा नहीं। रमन, please relax. Hey. Thanks a lot, सुधा जी। आपको और आपके परिवार को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बिल्कुल परेशान मत होइए सुधा जी, आपके सारे काम हो जाएंगे। इनफैक्ट अगर आपको कोई और लोन चाहिए तो बताइए, वी आर हैप्पी टू हेल्प।
Oh, thank you so much. Thank you. Happy Diwali to all of you. Thank you. Excuse me. Now we have to go for another meeting. Excuse me. सारे papers तो ले लिए ना. Mr. Sinha, मैं क्या? तुमने मुझे जेल से बाहर निकाला, मैंने इस कंपनी को बचा लिया. और really, बेवकूफ. अच्छी तरह जानता हूं ये सब तुम क्यों कर रही हो. मुझे मजबूर करना था ना, कर दिया तुमने. ये भी जानता हूं कि बैंक वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी. हो सकता है तुमने उन्हें बुलाया घूस देकर. तुम्हें जेल से बाहर निकाल दिया ना मैंने, FIR वापस ले ली ना, हम मेरे वर्कर्स की सैलरी और बोनस दे. Shut up. I said shut up, Mr. Raman Bhalla. शायद तुम भूल रहे हो कि अब ये कंपनी मेरी है. I am the owner of Bhalla Industries. इसलिए मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, ये मेरा डिसीजन है. तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे और ये भी नहीं बताओगे कि मुझे क्या करना है. ओके? सवाल जवाब नहीं कर रहा हूँ. तुमने जैसा कहा मैंने FIR वापस ली, तुम्हें जेल से बाहर निकाल दिया. ये बोनस, ये सैलरी उनका हक है, उन्हें उनका हक दो. ओ हेलो, एक बार में बात समझ नहीं आती क्या? तुम मेरी मॉम को नहीं बता सकते कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन जो वो कह रही है तुम्हें वो करना पड़ेगा, समझे? रोहन शांत बेटा. यस मिस्टर रमन भल्ला, एक्चुअली मेरा भी मन था कि मैं लोगों की सैलरी दे दूं, बोनस दे दूं, पर क्या करें, तुमने मेरा इतना बड़ा नुकसान जो कर दिया है. सुधा जी, आपकी दुश्मनी हमसे है, हमसे निकालिए. हमारे एम्प्लॉइज को आप क्यों परेशान कर रही हैं? दिवाली है, उनके घर में कुछ एक्सपेक्टेशंस है उन सबसे. प्लीज उनका पैसा तो उन्हें दे दीजिए आप. मैं किसी को परेशान नहीं कर रही हूँ, वही बता रही हूँ जो फैक्ट है. लुक प्लीज, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, उन्हें उनकी सैलरी और बोनस दे दो. कल दिवाली है, उन सबके परिवार के लिए बहुत बड़ा दिन है. प्लीज, तुम कह रही हो कंपनी तुम्हारी है, राइट? तो ये एम्प्लॉइज भी तो तुम्हारे हुए, कम से कम हमारे लिए ना सही, लेकिन अपने एम्प्लॉइज की तो सोचो. मालकिन मैं हूं ना, हाँ मैं हूं ना मालकिन. तो मालकिन होने के नाते जाओ, इट्स माय ऑर्डर, जाओ जाकर सबको बता दो कि उनकी सैलरी और बोनस मैं नहीं दूंगी. श्वेता, सारे डिपार्टमेंट हेड्स को बुला लेना कॉन्फ्रेंस रूम में. हाँ, रमन भल्ला को एक जरूरी अनाउंसमेंट करनी. रमन, मुझे आपकी हालत ठीक नहीं लग रही, मुझे लग रहा है आपका बीपी बढ़ रहा है. किस मुंह से बताऊं इनको, ये लोग चाहिए इतनी मेहनत लगन से काम करें, इनको इस वक्त दिवाली का बोनस नहीं मिलेगा और नई सैलरी. सुधा इनको कुछ नहीं देने वाली, और चाहती कि मैं इनसे कहूं. बोलना तो होगा रमन. मैं इन्हें एक सेकंड भी चैन से नहीं जीने दूंगी. मुझे जेल भेजना है इन दोनों ने, ऐसे तड़पाऊंगी इन्हें. वो सब तो ठीक है मॉम, लेकिन आप मुझे बताइए कि आपका अगला प्लान क्या है. मेरा अगला प्लान शुरू हो गया बेटा. बहुत बेइज्जती की है इस रमन ने और इशिता ने. ऐसी जिल्लत मिलेगी इन दोनों को कि ये किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे. बैग्स ले लिए? हाँ. पता नहीं, मुझे ना बहुत अजीब सा फील हो रहा है. दादू दादी, इनफैक्ट घर में सभी बहुत ही अपसेट हैं, ऑल बिकॉज ऑफ अस. मुझे ना अच्छा नहीं लग रहा सर ऐसे हैं. आई वॉन्ट टू डू समथिंग बट. ये देखो कैसी लड़कियां हैं, ऐसा लगता नहीं इनको देख के कि इनकी शादी टूटी है. कमाल की लड़कियां हैं. पर ये देखो, इन्होंने भी कुछ गलती की होगी. एक्सक्यूज मी, आपको बहुत मजा आता है दूसरों की लड़कियों पर कीचड़ उछालने में, और आप क्या कह रही थी कि गलती इनकी होगी. क्यों होगी इनकी गलती? क्योंकि ये लड़कियां हैं इसीलिए इनकी गलती होगी. शायद ये लेट नाइट घर पे आती होगी इसीलिए इनकी गलती होगी, है ना?
या फिर कपड़े छोटे पहनती होंगी, इसीलिए इनकी गलती होगी। और कुछ नहीं तो ये बदतमीज होंगी, शायद बात करने की तमीज नहीं होगी इन्हें, इसीलिए इनकी गलती होगी। कभी अपने घर के लड़कों को सिखाया है कि औरत की इज्जत करें? नहीं, उनको थोड़ी कुछ सिखाया जाता है, वो तो घर के चिराग हैं, लड़के कभी गलत थोड़ी होते हैं। औरतों का क्या है, इज्जत मत दो, सम्मान मत करो, क्या फर्क पड़ता है, पलट के जवाब थोड़ी देगी बेचारी औरत जो है। आप लोगों को ना शर्म आनी चाहिए, एक औरत होकर आप एक औरत की इतनी बेइज्जती कर रही हैं। आप लोग अगर औरतों का दर्द नहीं समझेंगी तो हम जाके आदमियों को क्या सिखाएंगे? अगर आप अपने घर के बच्चों को कुछ नहीं सिखाएंगी तो आपकी आगे की जनरेशन क्या सीखेंगी? आप जैसी औरतें हैं ना, आप लोगों को इंडिपेंडेंट और स्ट्रॉन्ग औरतों से तकलीफ होती है। जानती है क्यों? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग औरत हमेशा पलट कर जवाब देती है। लेकिन अगर इस दुनिया की सारी औरतें स्ट्रॉन्ग बन गई तो आप लोगों का टाइम पास कैसे होगा? मुझे गर्व है आलिया और रूही पर, क्योंकि इनके साथ गलत हुआ है और उन्होंने डट कर उस गलत का सामना किया है। कहीं छिपकर बैठी नहीं थी ये कोने में। और भगवान ना करे कभी आपकी बेटी के साथ या फिर आपकी बेटी के साथ ऐसा हुआ ना, तब आके आप दोनों से सवाल करूंगी मैं कि हमेशा अपने घर की बच्ची सही और पड़ोसियों के घर की बच्ची गलत क्यों होती है। छोड़ो इन लोगों को, लोगों का तो काम है बातें करना, हम जाकर अपनी दिवाली मनाते हैं। एक मिनट, हैप्पी दिवाली। वाओ चिट्टी। अच्छा चलो, ऑफिस जाना है, एम्प्लॉइज को जाके बोनस भी तो देना। हाँ चलो, लेट्स गो। प्लीज बैठिए आप लोग। आप सबने अपने जिंदगी की कीमती साल इस कंपनी को दी, हम सब ने मेहनत से और लगन से इस कंपनी को खड़ा किया है, लेकिन आज इस कंपनी की पोजीशन वैसी नहीं है जिससे पहले थी। इस बार मैं ना आपको दिवाली का बोनस दे पाऊंगा और ना आपकी सैलरीज। देखिए, वी आर वेरी सॉरी। हम इशिता, क्या कर रही हो तुम? स्टाफ से झूठ क्यों बोल रही हो कि इन सबको इनकी सैलरी और बोनस नहीं मिलेगा? आपके हक के पैसे हैं, ऐसे कैसे नहीं देंगे हम? ऑफ कोर्स आप लोगों को डेफिनेटली मिलेगा। एक्चुअली मैं सोच रही हूँ एक दिवाली पार्टी में अरेंज करूँ हमारे स्टाफ के साथ। इस बार दिवाली हम सब साथ में मनाएंगे, आप सबको आना है, और उसी पार्टी में आपको आपकी सैलरी और बोनस भी मिलेगा। क्या है ये? नो थैंक्स, नथिंग। थैंक यू मैम। लेकिन मेरा एक क्लॉज है, डोंट वरी, कुछ ज्यादा नहीं। ये सब कुछ तभी होगा जब रमन भल्ला और इशिता भल्ला अपनी फैमिली के साथ इस पार्टी में आएंगे। I'm sorry, हमारे कुछ और कमिटमेंट्स हैं, हम नहीं आ पाएंगे। आप इनको इनके बोनसेस और सैलरी हमारे बिना भी दे सकते हैं। कम ऑन मिस्टर रमन भल्ला, ये सब आप ही के लोग हैं, इतने सालों से ये लोग आप ही के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए सैलरी और बोनस अगर आपके हाथ से इन्हें मिलेगा, इन्हें बहुत अच्छा लगेगा। कि मैं ठीक कह रही हूँ? देखिए, हम आएंगे, हम जरूर आएंगे। थैंक यू सो मच, आप सभी का इंतजार रहेगा। बट रिमेम्बर, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ आएंगे इस ग्रैंड सेलिब्रेशन में। और हाँ, मैंने लंच भी प्लान किया है, एंड द ड्रेस कोड इज इंडियन। ठीक है, एक अर्जेंट मीटिंग है। थैंक्स। दिवाली पार्टी इन लोगों के साथ, और हम सही में क्या एम्प्लॉइज को बोनस और सैलरी देने वाले हैं? जस्ट वेट एंड वॉच कि मैं इस पार्टी में क्या करती हूँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।